हेलो दोस्तों, वैकेंसी विद श्याम में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने आ रहे हैं तमिल नाडु मैकेनिकल बैंक लेटी टीएम जिसे बोलते हैं टीएमबी या वैकेंसी निकल के है जो कलर के लिए है टीएमबी प्रोबेशनरी कलर के लिए है। शॉर्ट डिटेल है, हम इसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को भी दबा लीजिएगा जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों वीडियो को हम शुरू करते हैं। हम इसमें आप लोग को बता दें कि यहाँ पर अप्लाई डेट कब है, तो अप्लाई डेट 16/10/2023 से शुरू हो गई है। वहीं लास्ट डेट की बात करें तो 6/11/2023 तक लास्ट डेट है। और इसकी हम फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 600 रुपये और SC ST PH के लिए भी 100 रुपये है। और दोस्तों हम इसमें एज की बात कर ले तो एज आप लोग देख सकते हैं, इसमें मिनिमम एज कोई भी नहीं है, भर सकते हैं। मैक्सिमम एज 24 वर्ष होनी चाहिए, ग्रेजुएट के लिए 26 वर्ष होना चाहिए। हम पोस्ट की बात कर लेते हैं, देख सकते हैं इसमें टोटल पोस्ट जो कि पोस्ट बहुत कम ही है, इसमें टोटल पोस्ट 72 है, 72। यहीं पे बात कर लेते हैं हम पोस्ट और एजबिलिटी के बारे में। यहाँ पर एजबिलिटी आप लोग देख लीजिएगा, इसमें दिया है प्रोबेशनरी नरी कलर के जो कि 72 सीटें हैं। यहाँ पर बैचलर डिग्री यानी किसी भी और 60% मार्क होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी के होंगे आप लोग। यहाँ पर देख सकते हैं TMB प्रोबेशनरी कलर 2023 वैकेशन डिटेल जो दिया हुआ है, हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए है। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं स्टेट बाय दिया है, अंडमान एंड निकोबार में के लिए एक पोस्ट जो हिंदी में है, वही आंध्र प्रदेश में 17 पोस्ट है जो तेलुगु में है, और छत्तीसगढ़ में एक पोस्ट है वो भी हिंदी के लिए है, दादरा नगर हवेली जो एक पोस्ट है हिंदी और बलोदी भिलोदी जो भाषा है बलोदी वाली भाषा में है। वहाँ पर दिल्ली में 2 पोस्ट है इसमें भी हिंदी है, गुजरात में 17 पोस्ट है गुजराती के लिए, और कर्नाटका में 11 पोस्ट है कनाडा के लिए, वहीं मध्य प्रदेश में 1 पोस्ट है हिंदी में, महाराष्ट्र में 9 पोस्ट है मराठी के लिए, वहीं पंजाब में 1 पोस्ट है पंजाब के लिए। और बाकी दोस्तों यहाँ पर राजस्थान में 2 पोस्ट है राजस्थानी के लिए, तेलंगाना में 7 पोस्ट है तेलुगु के लिए, उत्तर प्रदेश में 1 पोस्ट हिंदी के लिए, उत्तराखंड में भी 1 पोस्ट है हिंदी के लिए। और यहाँ पर इंटरेस्ट कैंडिडेट कैन रीड द फुल MTA प्रोबेशनरी कलर नोटिफिकेशन है, और फॉर्म में क्या क्या लगेगा इसमें दिया गया है, आप लोग सब कुछ लेकर जाइएगा। हम आपको दिखा देते हैं नोटिफिकेशन भी आप लोग, दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं नोटिफिकेशन ये आप लोगों को हम दिखा दे रहे हैं TMB के लिए। यहाँ पर जो जो लगेगा आप लोग अच्छे तरह से चेक पढ़ लीजिएगा नोटिफिकेशन। यहाँ पर देख सकते हैं ये इसके बारे में तो बता ही चुके हैं कब सप्लाई होगा, फीस उसके बारे में, वहीं पर एग्ज़ाम का रिजल्ट जो कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा ये नवंबर में होगा, वहीं पर एग्ज़ाम रिजल्ट क्लियर होगा दिसंबर में, और कॉल लेटर इंटरव्यू के लिए दिसंबर से लेकर जनवरी तक आ जाएगा 2024 में, और प्रोफेशनल अलमेंट के लिए जनवरी 2024 ये भी हो जाएगा। यहाँ पर ये सब बता दिए थे वैकेंसी किस किस में है, किस राज्य में एलिजिबिलिटी के बारे में भी बता दिए हैं, एज भी बता दिए हैं, और क्या बाकी है सिलेक्शन प्रोसेस जो कि आप देख सकते हैं इंग्लिश ओनली रहेगा। यहाँ पर एग्ज़ाम स्ट्रक्चर की बात करें, एज पर IBPS प्रोफेशनली कलर स्टैंडर्ड सिंगल एग्जामिनेशन
medium of examination English only. Mode of selection. The candidate will be shortlisted by mark. My opponent, the writer. टेस्ट होगा और दोस्तों आप लोगों को और ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा जो कि आप देख सकते हैं क्या सिलेबस रहेगा इसमें, तो जिसमें से रीजनिंग 40 क्वेश्चन रहेंगे 40 नंबर के, वहीं इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, कंप्यूटर का नॉलेज 40 नंबर 40 क्वेश्चन रहेंगे, वहीं पर जनरल आंसर्स रहेगा 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, और न्यूमेरिकल एबिलिटी जो 40 नंबर 40 क्वेश्चन, यहाँ पर टोटल 200 क्वेश्चन रहेंगे और 200 नंबर के रहेंगे। टाइम दिया जाएगा 2 घंटे, सिर्फ केवल इंग्लिश में होगा, हिंदी में नहीं होगा, हिंदी पेपर नहीं रहेगा। वहीं सेकेंड में पर्सनल इंटरव्यू में इंग्लिश में भी पूछा जाएगा, और एग्ज़ाम सेंटर आप उसमें दिया रहेगा जहाँ पर आप फॉर्म भरेंगे तब उसमें एग्ज़ाम सेंटर रहेगा, जैसे सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन देख सकते हैं कहाँ कहाँ बन सकता है। आप लोगों को यहाँ दिया है जयपुर, लुधियाना, अहमदाबाद, गुलबर्गा, पुणे, मुंबई, इंदौर, रायपुर, ऐसे सारे स्टेट में आप लोगों का एग्ज़ाम हो सकता है। यह सब आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों। वहीं पर सैलरी की बात करें तो पर ईयर मंथ में 27,000 रहेगा, ईयर में 2-3,24,000 तक रहेगा, जिस स्टेट तक आप लोग जाएंगे, जिस लेवल तक। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।